अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। फिनेंशियल अकाउंटिंग और ये अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का जो हमारा सिलेबस चल रहा है, उसमें आज हम मज़ीद सेकंड पार्ट का लास्ट सेशन कवर करेंगे। और इसमें हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट करने के बाद या एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसको चेंज होता है, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन होती है, तो वो जो चेंजेस होती हैं उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना होता है उसकी आज हमने फर्दर डिटेल में जाके डिस्कस करना है। और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है और उसके बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के बाद रिवाइज्ड या फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड एंड पोस्टेड टू द लेजर। यानी कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज हम पास करते हैं और उनको लेजर में पास करते हैं। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस दैट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज एंड बैलेंस इज एंड इलस्ट्रेटेड हाउ इट वर्क्स, कि कैसे ये ट्रायल बैलेंस बनता है और कैसे इसको वजाहत के साथ हम बयान करते हैं। ये पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है जिसमें फर्दर हमने एडजस्टमेंट्स बनानी है, यानी कि अनएडजस्टेड फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है। To illustrate how it works, here is a sample unadjusted trial balance. इसके figures को आपने कहीं ना कहीं note down कर लें या इसको याद कर लें। ये हमारे पास assume date है December 31st 2021 की है और हमारे पास यहाँ पे account titles होंगे। ये debit की entries हैं, ये credit की entries हैं। Cash का balance देख लें 7480 का हमारे पास है, वो डॉलर्स में कहें, रुपीस में कहें, यूरोज में कहें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 3400 है, ये याद रखने फिगर्स या नोट डाउन कर लें। सर्विस सप्लाईज के जो बैलेंस है वो हमारे पास 1500 है। फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो डेबिट में बैलेंस है वो 3000 है। सर्विस इक्विपमेंट का बैलेंस 16000 का है। अकाउंट्स पेएबल का जो हमारा बैलेंस है वो 9000 क्रेडिट का है। लोन्स पेएबल जो लाइबिलिटी हमारी 12000 की है। मिस्टर ग्रे का जो कैपिटल लाइबिलिटी की फॉर्म में है वो 13200 का है। और मिस्टर ग्रे की जो ड्राइंग्स हैं जो उसने ड्रा की थी वो डेबिट अकाउंट हुई थी वो 7000 की हैं। इसके अलावा सर्विस रेवेन्यू का जो बैलेंस हमारे पास क्रेडिट में है वो 9550 का है। रेंट एक्सपेंसेस 1500 का है। सैलरीज एक्सपेंसेस 3500 के हैं। टैक्सेस एंड लाइसेंसेस की जो फीस वगैरह है वो $370 की है। हमारे पास टोटल जो डेबिट बैलेंस है वो 43750 है और इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस भी हमारे पास 43750 का है। एट द एंड ऑफ द पीरियड द फॉलोइंग एडजस्टेड एंट्रीज या एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड। कौन कौन सी हैं इनको भी नोट डाउन कर लें। ये अनएडजस्टेड की ट्रांजैक्शन जितनी थी उन फिगर्स को और जो एडजस्टमेंट हमने की, अकाउंट रिसीवेबल थे वो हमारे अकाउंट डेबिट नेचर का है और सर्विस रेवेन्यू 300 का है, ये हमारा क्रेडिट का है। सो इसको एंट्री को हमने एडजस्ट करना है। यूटिलिटी के कुछ एक्सपेंसेस थे जो हमें पे करने थे 1800 के और सर्विस सप्लाईज के एक्सपेंस थे 900 के और ये सर्विस सप्लाईज में आएंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 720 का है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 720 का है। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हैं। अब हमने इनको फर्दर इनकॉर्पोरेट करना है। आफ्टर पोस्टिंग द अबव एंट्रीज द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द आइटम्स इन द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस विल चेंज। कुछ की एंट्रीज मौजूद थी वो अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी, जहाँ पर एंट्री नहीं थी उसको हम न्यू एड करेंगे और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर वो एंट्री शो होगी। टेक द फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री, पहली एडजस्टिंग एंट्री जो थी अकाउंट रिसीवेबल जो डेबिट की थी, हैंस इज इंक्रीज बाई 300, वो 300 के अमाउंट से था। सर्विस रेवेन्यू जो थे वो क्रेडिट के थे 300 के। द बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल जो पहले 3400 थे अब 300 उसमें ऐड किया 3700 के हो जाएंगे। इसी तरह से जो यहाँ पे ये इलस्ट्रेटेड है कि 3400 के पहले थे अनएडजस्टेड बैलेंस का, वो 300 उसमें हमने एडजस्ट किया है। सर्विस रेवेन्यू जो पहले 9550 का था अब 9850 का हो गया 300 ऐड करने के बाद फ्रॉम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के साथ। इसी तरह से जो नेक्स्ट एंट्री हमारी यूटिलिटीज एक्सपेंसेस एंड यूटिलिटीज पेएबल डिड नॉट हैव एनी बैलेंस इन द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उनकी एंट्री मौजूद ही नहीं। आफ्टर पोस्टिंग द अबव एंट्रीज दे विल नाउ अपीयर इन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अब
उनकी एंट्री पास करने के बाद वो ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे। थर्ड जो एंट्री है उसमें सर्विस सप्लाई एक्सपेंसेस डेबिट हुआ है 900 से और सर्विस सप्लाई इज क्रेडिटेड 900 से। द सर्विस सप्लाई अकाउंट हैड डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 का, इसका पहले बैलेंस था 900, उसमें ऐड हो जाएगा आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड 900 क्रेडिट एडजस्टमेंट द बैलेंस विल नाउ शो, यानी कि जो क्रेडिट और डेबिट उसकी एडजस्ट करने के बाद हमारे पास नेट डेबिट जो बैलेंस है वो 600 का शो होगा। और जो चौथे नंबर पे हमारी ट्रांजैक्शन है, देयर वर नो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, के अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे पास डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं था। बिकॉज ऑफ द एडजस्टिंग एंट्री दे विल नाउ हैव द बैलेंस ऑफ $720 इन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सो इस तरीके से हमारी सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने करनी है। और फाइनली हमारा जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एग्जाम्पली जो बनेगा, जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के बाद आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट्स अबव, द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वुड लुक लाइक दिस। जस्ट लाइक इन द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स शुड बी इक्वल। अब इनकी ट्रांजेक्शन को इंटर करने के बाद हमारा बैलेंस जो है फिर भी डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। कैश की फिगर्स चेंज अगर होती हैं 7480 अकाउंट रिसिवेबल 3700 के हो जाएंगे। सर्विस सप्लाईज 600 का बैलेंस रह गया हमारे पास एडजस्टमेंट करने के बाद। फर्नीचर एंड फिक्सचर 3000, सर्विस इक्विपमेंट 16000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पहले नहीं था बैड हो गया 720, अकाउंट्स पेएबल 9000, यूटिलिटी पेएबल 1800, लोन्स पेएबल 12000, मिस्टर ग्रे कैपिटल 13200 और उसकी जो ड्राइंग्स है 7000, और सर्विस के रेवेन्यूज़ जो है 9850 क्रेडिट बैलेंस है, और रेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो 1500 के हैं। मजीद कुछ ट्रांजेक्शन है, सैलरीज के एक्सपेंसेस 3500 के हैं, टैक्सेस एंड लाइसेंसेस के 370 है, यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस 1800 के हैं, सर्विस सप्लाईज एक्सपेंसेस 900 के हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 720 के हैं। टोटल जो हमारे पास बैलेंस बनता है डेबिट का वो 46,570 और इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस 46,570। हमने देखा कि हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था और कुछ हमारी एडजस्टिंग एंट्री थी एट द एंड ऑफ द पीरियड जो हमने पास की, और उनको फिर जब हमने इनकॉर्पोरेट किया चेंजेस उसमें लेके आए तो हमारे पास जो रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस था जिसको हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं, उनके इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी हमने देखा हमारे डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज या जो अमाउंट्स हैं वो बराबर आ जाती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो मेनली सारी ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस तरीके से हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। तो आज के सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।